नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स गड़बड़ी के कारण पाई जाती है, और ये जनरली उत्तर भारत और पश्चिम भारत में पाई जाती है। इसकी केस की संख्या पूर्वी भारत और मध्य भारत में कम है। डिजीज सिलियक डिजीज। सिलियक डिजीज में सामान्यतया हम ये जानते हैं कि व्हीट एंड राई, गेहूँ और राई से जो भी हम खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, वह नहीं पचता है या हमारा इंटेस्टाइन इसे पचाने में असमर्थ होता है। सो आज देखेंगे कि ये क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके निदान और ट्रीटमेंट क्या है। सो फर्स्ट वी सी इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन ऑफ द सिलियक डिजीज। सिलियक डिजीज इज ए रेयर फॉर्म ऑफ रिकरेंट डायरिया एंड एस्टिटोरिया। रिकरेंट डायरिया, बार बार पतला पैखाना, लूज स्टूल, एंड एस्टिटोरिया। एस्टिटोरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए स्टूल, विच अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 24 month ऑफ लाइफ, बट इट मे प्रेजेंट ऑल्सो इन एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 year। दैट एज ग्रुप इज नॉट एक्सेप्शन। सिलियक डिजीज इज ए कंडीशन, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधन क्षमता जो है इम्यून सिस्टम, ये जो गुलेटिन हम खाते हैं उसके ऊपर ये प्रहार करता है। दिस डैमेज आवर गट्स, ये हमारे इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइनल वाल को डैमेज करता है। इस प्रकार यह गेहूं और राई ग्रुप के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसके न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व है, उसको एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होता है। सिलियक डिजीज कैन कॉज ए रेंज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग, पेट फूलना। तो सामान्यतया ये देखा जाता है कि बार बार पतला स्टूल पैखाना होना, लूज स्टूल, डायरिया, पेट में दर्द और पेट फूलना, या जिसे हम अफरा कहते हैं। इसके अगर कारणों के ऊपर हम ध्यान दें तो इसके कारण जो हैं गुलेटिन कंटेंट ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राई डिस्टर्ब द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्प्लिट फैट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड। इसके कारण में जो हमारे खाद्य पदार्थ है गेहूं और राई, इसमें जो ग्लूटीन कंटेंट है, ग्लूटीन की जो मात्रा पाई जाती है, जनरल जो हम गेहूं खाते हैं उसमें 7 से 9% तक ग्लूटीन पाया जाता है। इसी के कारण हम जब आटे का लेई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो ये हाथों में चिपकता है और ये स्ट्रिंजी होता है। अगर इसमें इसकी मात्रा कम जाती है तो आटा
कि जो हम लेई बनाते हैं वो प्रॉपरली नहीं बनता है। अगर जो गेहूँ पुराने हो जाते हैं या जिसमें घुन एक प्रकार का वर्म्स होता है जो उसमें पाया जाता है अनाजों में, अगर वो पूरा से लगा हुआ हो तो उसमें भी ग्लूटीन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वो उसके हम लेई नहीं बना सकते। सो इस गेहूं और राई में जो ग्लूटीन कंटेंट पाया जाता है वो डिस्टर्ब करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ स्प्लिट फैट। जो स्प्लिट फैट है वो उसके हमारे अपर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के ऊपरी भाग में इसके जो एब्जॉर्प्शन होते हैं उसको ये डिस्टर्ब करता है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट फैटी एसिड चेन का फॉर्मेशन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए सी डी इज ऑल्सो अफेक्टेड। इसके कारण विटामिन ए सी एंड डी जो हम आहार में लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी ये रुकावट अवरोध पैदा करता है। कैल्शियम इज लॉस्ट इन स्टूल। स्टूल के द्वारा कैल्शियम का ह्रास होता है, लॉस होता है विथ कम्बिनेशन ऑफ द फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, उसके साथ ज़्यादा कैल्शियम का भी हमारे शरीर से निष्कासन होगा, लॉस होगा। सिलियक डिजीज जनरली डायग्नोस्ड और फर्स्ट ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन। सिलियक चिल्ड्रेन शोज एन एक्सेस ग्लूटामिन इन दियर ब्लड। ब्लड में अगर उनका हम टेस्ट करते हैं तो ग्लूटामिन पाया जाता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है TTG, कैपिटल टी स्मॉल टी जी, TTG से इसके हम नॉर्मल लेवल का पता लगाते हैं। सिलियक डिजीज कैन डेवलप एंड डायग्नोस्ड इन एनी एज। इट मे डेवलप आफ्टर विनिंग ऑन टू सीरियल दैट कंटेन ग्लूटीन इन ओल्ड एज और एनी टाइम इन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 ईयर। ये या तो शुरुआत में पाया जाता है, ऑब्जर्व होता है जिसे डायग्नोस करने के बाद इसका उपचार है, ट्रीटमेंट है, या एडल्ट एज के बाद 40 to 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप। सिलियक डिजीज इज हेरिडिटरी। ये वंशानुगत बीमारी है, मीनिंग दैट इट रनिंग इन फैमिली। ये फैमिली में पाया जाता है, जैसे दूसरे बीमारी जो है जो वंशानुगत होते हैं, जॉइंट्स पेन, उसके बाद थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो उसके जो हम डाटा देखते हैं डोमिनेंट रिसेसिव, सेम कंडीशन इस सिलियक डिजीज में होता है। पीपल विथ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विथ सिलियक डिजीज, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स पेरेंट, चिल्ड्रेन, सिबलिंग, हैव 1 in 10 रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिलियक डिजीज। ऐसा देखा जा गया है प्रैक्टिकली, जिस बच्चे में सिलियक डिजीज पाया जाता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं मदर और फादर, उनमें भी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस पाई जाती है। इस सिलियक डिजीज के लक्षण जो है, देयर इज फेलियर टू गेन वेट विथ लॉस एपेटाइट। माँ बोलती कि हमारा बच्चा खाता नहीं और वजन भी नहीं बढ़ता। फेलियर टू गेन वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। स्टूल्स आर लार्ज, स्टूल की
क्वांटिटी जो होगी, मात्रा होगी, ज़्यादा होगी, पेल ओफेंसिव एंड फ्रोदी। एब्डोमिन बिकम्स डिस्टेंडेड विथ गैस, पेट हमेशा गैस से फुला हुआ रहेगा, भरा रहेगा, वेट लॉस होगा, उसके एज और हाइट के अनुसार उसका वजन नहीं रहेगा, ग्रोथ जो है प्रॉपरली नहीं होगा, अगर 5 साल के बच्चे का एवरेज जो हाइट होना चाहिए वो भी नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन लो रहेगी। स्कर्वी एंड इन्फेंटाइल टिटनी में भी प्रेजेंट। तो नवजात जो बच्चे होते हैं, 6 से नवजात शिशु मीन्स जन्म के 6 से 24 महीने बाद, ये ग्रेजुअली इसके साइन सिम्पसम डेवलप होते हैं। 6 महीने से पहले तो वो माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध में गुलेटिन का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है कि वो कन्वर्टेड फॉर्म होता है। 6 महीने के बाद जैसे ही उसे आहार दी जाती है, उसके बाद इसकी समस्या धीरे धीरे शुरू होती है। डायग्नोसिस इज मेड ऑन एस्टिटोटोरिया इज ड्यू टू ए लार्ज एक्सेस ऑफ स्प्लिट फैट 40-60% ऑफ ड्राइड वेट ऑफ स्टूल। स्टूल से अगर इसको सेपरेट किया जाता है तो इसमें ये पाया जाता है। इन फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द पैंक्रियाज द फेलियर टू थ्राइव डेट्स फ्रॉम बर्थ एंड द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर एब्सेंट इन सैंपल ऑफ डियोडेनल जूस। अगर डियोडेनल जूस का टेस्ट किया जाता है तो उसमें पैंक्रियाटिक जूस नहीं होगा, इसलिए कि हिपेटोपैंक्रियाटिक जूस डियोडेनम के सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ये इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पर ये पैंक्रियाटिक जूस भी नहीं आएगा। तो पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, पचाता है, वो काम भी वहाँ इम्प्रोपर होगा। और दूसरा, लैब फाइंडिंग्स में हम TTG कराते हैं, उससे रिलेटेड जो भी उस समय जो ज़रूरत होता है वो टेस्ट के आधार पर कराते हैं। VDRL भी करा सकते हैं। इस बीमारी का जो भविष्य है, प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, इफ अनट्रीटेड द डिजीज रन्स इन क्रोनिक कोर्स, अगर इसका उपचार ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये क्रोनिक फॉर्म में हो जाएगा, विथ पीरियोडिक एग्जर्बेशन मार्क स्टंटिंग ग्रोथ, उसकी वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, समटाइम्स डेथ फ्रॉम इंटरकरेंट इन्फेक्शंस, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण रिपीटेड इन्फेक्शन होगा तो उस कारण इसमें डेथ भी हो सकती है। द आउटलुक हैज बीन इम्प्रूव्ड बाई मॉडर्न थेरापूटिक मेथड्स एंड होम्योपैथिक थेरापूटिक मेथड्स। मॉडर्न मेडिसिन में इन्हें केवल ग्लूटीन फ्री डाइट दिया जाता है। इन होम्योपैथी दिस डिजीज इज क्यूरेबल। अगर इसके पेशेंट का हम उपचार करते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर ये ग्लूटीन युक्त डाइट, जैसे गेहूं की रोटी खाना और पचाना भी ये शुरू कर देता है। इसकी उपचार होम्योपैथी में। अब ये मैनेजमेंट जो है इस केस का हम कैसे करेंगे? मैनेजमेंट में फर्स्ट वी ट्राई टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूटीन फ्री डाइट। मार्केट में ग्लूटीन फ्री डाइट भी आता है। वंस ट्रीटमेंट इज अंडर वे इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू डिक्रीज द फैट ऑफ द डाइट। अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया, प्रोसेस में है, तो उस समय फैट रिड्यूस्ड डाइट की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम एज ए सप्लीमेंट विटामिन A, C, D एंड आयरन भी उसको ज़रूरत के अनुसार दे सकते हैं।
आफ्टर 12 टू 18 मंथ ग्लूटीन कंटेनिंग डाइट मे बी एडेड कॉशियसली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 12 से 18 महीने तक जो हम ग्लूटीन कंटेंट डाइट दे रहे हैं वो डाइट देने में हमें सावधानी बरतनी होती है। जैसे जैसे वो उसको पचाना डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा वैसे वैसे हम उसका क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। इसके लिए एक डाइट चार्ट भी होता है जिसमें हम ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, लंच में क्या देंगे और डिनर में क्या देंगे। रेडीमेड डाइट चार्ट भी मार्केट में मिलता है लेकिन हम एक बार देख लें। इन ब्रेकफास्ट ओटमील, कॉर्नफ्लेक्स, पफ्ड राइस विथ माइल्ड एग, ग्लूटीन फ्री ब्रेड, बटर, टी विथ शुगर, ये इसे हम ब्रेकफास्ट में देंगे। लंच में सूप फ्रॉम बोन और वेजिटेबल स्टॉक, फ्रेश मीट, लीवर, किडनी, फिश, जेली, आइसक्रीम, फ्रेश वेजिटेबल्स। इन डिनर मिल्क, फ्रूट जूस, एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंट 30 मिलीग्राम अबाउट पर डे, विटामिन बी, फोलिक एसिड, विटामिन डी एंड फेरस सल्फेट आर नीडेड। तो इस प्रकार हम इसका एक डाइट चार्ट बना सकते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में हम क्या देंगे। एंड अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड सीलियक डिजीज कैन लीड टू लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन। अगर हम इसका उपचार नहीं करते या जो सफरर है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो लॉन्ग टर्म लंबे अवधि के लिए जो हेल्थ इशू, स्वास्थ्य समस्याएं होंगी उसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ फोलिक एसिड, अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेज, विटामिन ई एंड विटामिन के डिफिशियंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, पैंक्रियाज जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, इंटेस्टाइनल लिम्फोमाज एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर और मैलिग्नेंसीज, गॉल ब्लैडर माल फंक्शंस, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग एटेक्सिया, इपिलेप्टिक सीजर, डिमेंशिया, माइग्रेन, न्यूरोपैथी, मायोपैथी एंड मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफलोपैथी। ल्यूकोइंसेफलोपैथी इज ऑल ऑफ द ब्रेन व्हाइट मैटर डिजीज। ब्रेन में जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है सो ब्रेन के व्हाइट मैटर का यह एक बीमारी है जहाँ पर मोलेकुलर कॉजेज नोन और नॉट, जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इट कैन रेफर स्पेसिफिकली टू एनी ऑफ दीज डिजीजेज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल। ल्यूकोइंसेफलोपैथी, टॉक्सिक ल्यूकोइंसेफलोपैथी, ल्यूकोइंसेफलोपैथी विथ वैनिशिंग व्हाइट मैटर, सो दिस इज ए ग्रुप सिम्टम्स सिंड्रोम विच इज कम्स और अकर्स आफ्टर लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन इन केसेज ऑफ अनट्रीटेड और अनडायग्नोस्ड केस ऑफ सीलियक डिजीज। अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सीलियक डिजीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सो अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ सीलियक डिजीज इज एनीमिया, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज, क्रोनिक फेटिक सिंड्रोम CFS, डर्मेटाइटिस,
हर्पेटीफॉर्मिस, डाउन सिंड्रोम, ग्लूटीन अटैक्सिया, आइडियोपैथिक डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस, लिवर डिजीज, लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जोग्रेन सिंड्रोम, टाइप 1 डायबिटीज, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, दीज आर द डिजीजेज विच इज ऑटो इम्यून इन नेचर एंड इट मे एसोसिएटेड विथ सिलियक डिजीज। अल्सो पोलीसिस्टिक किडनी प्रेजेंट विथ सिलियक डिजीज, ए केस आई वॉज सीन इन बीकानेर इन फीमेल पोलीसिस्टिक किडनी विथ सिलियक डिजीज। सो दीज आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ सिलियक डिजीज। इफ यू टेक प्रॉपर केस टेकिंग एंड ट्रीट प्रॉपरली एंड ऑल्सो पेशेंट एंड हिज पेरेंट्स कोऑपरेट, सक्सेस रेट इज हायर इन होम्योपैथी इन कंपेरिजन ऑफ एलोपैथी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल रीडर्स, if he has case of celiac disease, one time refer this case for me. I treated 4 cases of celiac disease and recovery rate is good. Only cost in this treatment or cost effect test of TTG, test of this test is about 2 to 2.5 thousand one time. Thank you. In medicine in homeopathy is not a specific Polycrest medicine according to clinical feature and case history we prescribe. Thank you. You like, subscribe and share this video. Thank you.